दिल्ली के रोहिणी स्थित सांवरिया टेंट में 22 सितंबर को मनाया जाएगा उत्तरी दिल्ली का सामूहिक क्षमावाणी महापर्व। व्रति श्रावक अभिनंदन समारोह और समाधि आचार्य श्री पित्यानंद जी मुनिराज का 5वां समाधि दिवस। जबलपुर में विराजमान समस्त मुनि और आर्यिका संघ के सानिध्य में श्री वर्णी दिगंबर जैन गुरुकुल पिसनहारी की मड़िया में 21 सितंबर को आयोजित होगा चोलक श्री गणेश प्रसाद वर्णी जी महाराज के 150वां अवतरण दिवस। मुनिश्री प्रणम में सागर जी महाराज के सानिध्य में 12-13 अक्टूबर को जैन मेधावी छात्र छात्राओं खिलाड़ियों के लिए आयोजित होने जा रहा है अरहम अभ्युदय। 30 सितंबर है रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख। 10 लक्षण पर्व के पावन अवसर पर श्री दिगंबर जैन ग्लोबल महासभा द्वारा आयोजित होने जा रही है ग्लोबल जैन चित्रकला प्रतियोगिता। 17 सितंबर तक भगवान महावीर के जीवन प्रसंग पर भेज सकते हैं चित्रकला। राष्ट्रसंत आचार्य श्री पुलक सागर जी महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य में केसरिया जी ऋषभदेव में आयोजित होगा 27वां राष्ट्रीय अधिवेशन। देश भर के प्रबुद्ध जन होंगे सम्मिलित। जयपुर में जनकपुरी में 10 लक्षण पर्व के उपलक्ष्य में श्रमण संस्कृति संस्थान सांगनेर द्वारा प्रस्तुत की गई नाटिका स्लो पॉइजन मार्मिक नाटिका को देख भावुक हुए दर्शक। आचार्य श्री सम्मान सागर जी महाराज सत्संग के मंगल सानिधि में 15 से 21 नवंबर के मध्य कानपुर की धरा पर होगा भव्य पंचकल्याणक महोत्सव। 21 से 25 नवंबर के मध्य भक्त करेंगे महामस्तकाभिषेक। 19 सितंबर को बरासो में दिगंबर संतों के आशीर्वाद से आयोजित होगा वार्षिक मेला महोत्सव। पूजन विधान के बाद नगर में निकाली जाएगी श्री जी की शोभा यात्रा। इटावा स्थित श्री दिगंबर जैन महामृत्युंजय तीर्थ क्षेत्र में 2 अक्टूबर को आयोजित होगा महामृत्युंजय तीर्थ वार्षिक महोत्सव। आचार्य श्री सुरत्न सागराचार्य जी महाराज के आशीर्वाद से भक्त करेंगे महामस्तकाभिषेक।